बीच सड़क पर बंद हुई रोडवेज बस को चालू कराने के लिए श्रद्धालु और यात्रियों ने बस लगाया धक्का। वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो की तस्वीरें कान्हा की नगरी मथुरा में जा रही हैं। यात्रियों को अपनी मंजिल तक पहुंचाने वाली बसें इस समय अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही हैं। रोडवेज की बस रास्ते में चलते चलते बंद हो जाती हैं और यहां से यात्री और श्रद्धालुओं को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें बुधवार को वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। इन वायरल तस्वीरों में यात्री और श्रद्धालु बस में धक्का लगाते हुए नजर आ रहे हैं। यह तस्वीरें कान्हा की नगरी मथुरा की बताई जा रही हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से श्रद्धालु एवं यात्री अपनी मंजिल की ओर पहुंचने के लिए बस में धक्का लगा रहे हैं, लेकिन बस है कि स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही है। बस के ड्राइवर एवं कंडक्टर सहित श्रद्धालु अपनी यात्रियों वाली मशक्कत वाली इसके बाद ही जाकर बस स्टार्ट हो सकी, तब तक यात्री अपनी मंजिल की ओर बढ़ सके। अब देखना होगा रोडवेज विभाग अपनी बसों को दुरुस्त करने की ओर क्या कदम उठाते हैं या फिर ऐसे ही बसों में धक्का लगाना रहेगा। सर संतोष कुमार अग्रवाल, मथुरा डिपो फोर में। जैसे जो सुनने में आ रहा है कि रोडवेज विभाग की धक्का मार गाड़ियां हैं, कहीं भी बंद हो जाती हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मथुरा वर्तमान में मथुरा डिपो की कोई भी गाड़ी को डिपो से उसे स्टार्ट नहीं भेजा रहा है। ऑलरेडी हमारी 4 गाड़ी बैटरी में प्लस 6 गाड़ी हमारी सिलेंडर बैटरी में खड़ी हैं, 10 गाड़ी हमारी बैटरी में है और हम किसी वाहन को मार उसे स्टार्ट नहीं भेजा जा रहा। जैसे कि रास्ते में गाड़ियां जो खराब हो जाती हैं और जैसे लूटपाट की घटना भी हो सकती है कहीं कहीं, तो उनसे उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए कि हम कोशिश करते हैं गाड़ी को किसी को उसे स्टार्ट ना भेजा जाए और ना ही वर्तमान में कोई गाड़ी ऐसी हमारी उसे स्टार्ट है या सडनली कोई बात हो जाए तो ड्राइवर अपना तो थोड़ा सेफ्टी पॉइंट से उस गाड़ी को बंद ना करे। और जो अनुबंधित गाड़ियां हैं आपके विभाग की वो भी धक्का परेड दिखाई दी है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसी हमारी अभी कोई ऐसा संज्ञान में नहीं आया है, या तो आपके पास कोई पर्टिकल गाड़ी हो तो उसको मालिक से कह के उसको कंप्लेंट को दूर कराया जाएगा।